समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 2 का दूसरा पाठ सच्चा दोस्त, पृष्ठ संख्या 5 से 10 तक। पाठ 2 सच्चा दोस्त, पृष्ठ संख्या 6। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठे करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी। उसने सोचा, नदी को कैसे पार करूं? पृष्ठ संख्या 7। सोचते हुए पेड़ के पास गया, पेड़ को अपनी समस्या बताई। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया और अमर शहर चला गया। वहां उसने खूब पैसा कमाया। कुछ वर्षों के बाद वह अपने गांव लौटा। उसके गांव लौटने के कुछ दिन पहले गांव में तूफान आया था। तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरा तना काट कर अपना घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया। देखते देखते समय बीत गया और अमर बूढ़ा हो गया। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। सच है, पेड़ लगाइए, धरती बचाइए।